गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए भक्ति कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं। उस दिन तो किसी तरह से बात टल गई, लेकिन एक दिन जब भक्ति घर में नहीं थी तो वह व्यक्ति अर्थात भक्ति के जेठ के साले भक्ति के जेठ के बेटे का साला घर में घुस आता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसे किसी तरह से धक्के मारकर दरवाज़ा खोलकर बेटी बाहर आती है तो लोगों ने यह तर्क दिया कि एक स्त्री और पुरुष जब एक कमरे से साथ साथ बाहर निकलते हैं तो उनके चरित्र पर लांछन लग जाता है, उनके चरित्र पर कलंक लग जाता है और इसे समाज की नज़र में अच्छा नहीं देखा जाता। समाज ऐसे व्यक्ति को, ऐसी स्त्री को, खास करके ऐसी स्त्री को अच्छी नज़र से नहीं देखता। भक्तिन की बेटी ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने यह फैसला दिया कि एक कमरे से दोनों साथ साथ निकले हैं, इसलिए दोनों पति पत्नी हुए और इन दोनों को विवाह बंधन में बांध देना चाहिए। अब भक्तिन और उसकी बेटी के पास कोई चारा ना बचा, अतः भक्तिन की बेटी का विवाह उस व्यक्ति से कर दिया गया। ये जो दूसरा दामाद था वह दिन भर इधर उधर घूमा करता था, परस्पर पति पत्नी में तालमेल नहीं था, पारिवारिक द्वेष में गाय और खेत सब झुलस गए। एक बार लगान न दे पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को बुलाया और सजा के तौर पर उसे दिन भर कड़ी धूप में रखा। भक्तिन ने जीवन भर स्वाभिमान से जीवन जिया था, यह अपमान का कलंक उसके लिए बहुत बड़ा था। अतः दूसरे दिन वह घर छोड़कर निकल गई और लेखिका के घर आकर उनकी सेविका बन गई। अब यहाँ से भक्तिन के जीवन का चौथा अध्याय शुरू होता है। भक्तिन के जीवन में चौथा अध्याय कुछ हद तक ठीक है। भक्तिन एक मोटी मैली धोती से ढुनके हुए लेखिका के घर में आती है। उसकी वेशभूषा किसी बैरागी की तरह थी और उसका रहन सहन भी सन्यासियों जैसा ही था, क्योंकि वह सुबह करीब 4-5 बजे उठ जाती और लेखिका की धुली हुई पुरानी साड़ी को गंगा जल के छींटे से पवित्र कर पहन लेती। भोजन के समय में भी वह बहुत साफ सफाई छुआछूत का व्यवहार करती और बस उसमें एक बात अच्छी थी कि वह बहुत मेहनती, ईमानदार और सच्ची स्वामी भक्त थी। लेखिका की सेवा करना ही उसका धर्म बन गया था। महादेवी जी कहती हैं कि भक्तिन का स्वभाव ऐसा था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती, परंतु स्वयं दूसरों के अनुसार कभी नहीं बदलती। यही कारण था कि वह लेखिका की पुस्तिकाओं को बांधना, अधूरे चित्रों को कोने में रखना, लेखिका के लिए दही का शरबत, तुलसी की चाय बनाना आदि काम बड़े खुशी खुशी करती थी। एक बार जब देश में युद्ध छिड़ गया था, उस समय भक्तिन के बेटी और दामाद उन्हें लेने आए, लेकिन लेखिका कहती हैं कि भक्तिन उन्हें छोड़कर जाने को तैयार ना हुई। भक्तिन ने कहा, जहां मालकिन रहेंगी वहां मैं रहूंगी, चाहे वह काल कोठरी ही क्यों ना हो। यहां पर एक बात और मैं बता दूं कि भक्तिन जेल के नाम से बहुत डरती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें जेल के नाम से डराया करते थे। भक्तिन बहुत ही डरपोक और बहुत सरल स्वभाव की थी, लेकिन वह लेखिका से बहुत प्रेम करती थी और लेखिका के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होती हैं। वह लेखिका से कहती हैं कि अब तो देश में युद्ध छिड़ने वाला है, आप भी मेरे साथ चलो। लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं वहाँ गांव में कैसे रह पाऊँगी। वह कहती हैं कि मैं गांव में आपके लिए सारी व्यवस्था मुहैया करा दूंगी। गांव में जमीन के अंदर मेरे पास बहुत सा धन गड़ा हुआ है, वह सारे धन मैं आपको दे दूंगी।
लेखिका को उनकी इस बात से हंसी भी आती है क्योंकि जो गड़े धन की मात्रा बताती हैं वो बहुत थोड़ी थी, लेकिन लेखिका इसको नज़रअंदाज करके उनके प्रेम भाव को देखती हैं और उनके साथ खुश रहती हैं। लेखिका स्वयं कहती हैं कि अगर मैं भक्तिन को छोड़ना चाहूँ तो चाहकर भी छोड़ नहीं सकती, और अगर मैं कह भी दूँ तो भक्तिन मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। वास्तव में वह मेरी सेविका नहीं है, उससे मेरा कुछ अलग सा रिश्ता बन गया है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी सेवक नहीं है जो मालिक के कह देने पर कि तुम मेरे घर को छोड़कर चले जाओ ना जाए। लेकिन भक्तिन ऐसी हैं कि यदि महादेवी जी उन्हें कहती भी तब भी वे नहीं जाती। तो इस तरह से यहाँ पर उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब दूसरे भाग में मैं आपको बताऊँगी कि भक्तिन पाठ का उद्देश्य और उसके शीर्षक की सार्थकता क्या है। धन्यवाद।